हेलो, मैं सब इंस्पेक्टर गौतम कुमार, अभी ASP आदेशानुसार मैं अभी थाना पे आया हूँ। बच्ची का स्कूल लेकर के मेरी पत्नी भी है, भाग रहा है मेरे मर्जी से, बिना मर्जी से बालू गिरा कर कर करके। आई थाना पर जो है सब चुपचाप से खड़ा है। संतरी रोकिए, आप संतरी, आपका काम है, दायित्व है रोकना, रोकिए नहीं तो आप भी फंस जाइएगा नौकरी से। हम रोक रहे हैं, रुको है, अरे रोको, तुम लोग रोको नहीं तो तुम लोग भी जाओगे। थाना अध्यक्ष बोल रहे हैं, हम रोको गाड़ी को, हम बोल रहे मालखाना, हम मालखाना प्रभारी है, रोको ना जल्दी से, हम मालखाना प्रभारी है, कैसे गिरा के भाग रहा है बिना अनुमति के, सब वीडियो हम बना रहे हैं। अरे थाना अध्यक्ष महोदय, हमको फंसाने का चाल चल रहे हैं, षड्यंत्र रचे हैं बिना मेरे अनुमति के ही, कैसे ही जा रहा है, मेरा गाड़ी छूट रहा है मालखाना से, देखिए, रोको है, रोको जाए, रोको, अरे रोको, भाग जाएगा, तुम लोग भी फंसोगे, फंसोगे, बोल रहे हैं, रुको, देखिए देखिए, थाना अध्यक्ष के अनुमति से बिना, देखिए गाड़ी छोड़ रहा है, भाग रहा है बालू ला अथी करके, देखिए, ए रोको 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 इसको, ए जवान, ए हम मालखाना प्रभारी हैं, तुम रोको इसको, कैसे लेके भाग रहा है गाड़ी, इसको लो कस्टडी में, इसको कस्टडी में लो, ए कस्टडी में जवान, कस्टडी में इसको लो, तो कैसे ही जा रहा है, अरे इसको पकड़िए ना जी, आप लोग नहीं समझ में आ रहा, कार्रवाई हो जाएगा आप पर भी। हम SP साहब को भी एक वीडियो भेजे हैं मैसेज, और दूसरा भेज रहे हैं सब लोग के पत्रकार को, इसको लीजिए पकड़िए कस्टडी में। ये हमारे नौकरी से थाना अध्यक्ष खिलवाड़ करा, बिना स्टेशन डायरी किए हुए आई थाना से गाड़ी छोड़ दिया कि हमको फंसा देंगे, कि इसके आदेश से छूटा है, क्योंकि ये पहले भी हमको धमकी दे चुके हैं झूठे आरोप में जेल भेजने का। बिना आदेश हम तो आपको हिरासत में नहीं लिए हैं, बाहर में रखे पूछताछ में, आप बिना अनुमति के, किसके अनुमति से तुम गाड़ी छोड़ाया है, कौन अनुमति किया तुमको, और थाना अध्यक्ष महोदय भी है ना यहाँ पर, आप बोले ना कि वीडियो से पहले कि थाना अध्यक्ष महोदय, हाँ तो दिया है ना स्टेशन डायरी, बिना स्टेशन डायरी के आप कैसे छोड़ दिए, स्टेशन डायरी आपका 14 तारीख के डेट में पेंडिंग है 8 बजे, आप जवाब दीजिएगा हमको मालखाना प्रभारी को, अभी आप जाइएगा, कार्रवाई होगा, अब हम इसको हिरासत में नहीं लिए हैं, हिरासत में हम नहीं लिए हैं इसको, इसको जो है, हाँ हाँ जान रहे, छीन रहे आप मोबाइल छीनिएगा, हम जान रहे हैं आप सट के मोबाइल छीनिएगा, हम देखिए भाग रहे हैं थाना से, ये हमको सट रहे हैं मुंह एकदम चुपचाप कर कर करके आई हिरासत में लेने के लिए। बात अपना रखना चाहिए, देखिए यहाँ सब पत्रकार बंधु मौजूद हैं, ASDPO साहब महोदय को हम बोले कि अपने कब्जे में लीजिए स्टेशन डायरी, तो ये SDPO साहब जो है अपना दायित्व का निर्वहन नहीं करते हुए ये बाहर में आ गए हैं, और पुलिस स्टेशन डायरी जो जो दिनचर्या लिखाता है वो नहीं लिख रहे, ये बाहर आ गए हैं और उनका नहीं अथी कर रहे हैं, हम इनसे अनुरोध एक बार दोबार हम कर चुके हैं, और ये देखिए स्टेशन डायरी नहीं अपने कब्जे में, मुझे थाना लेखक भी बता चुका है कि स्टेशन डायरी को अपने कब्जे में थाना अध्यक्ष ले लिए हैं, और ये जो है ये बाहर में बात बिजी करने का नौटंकी कर रहे हैं, मेरा सब बात नहीं सुन रहे हैं। SDPO साहब महोदय देखिए, ये हैं SDPO सासाराम सदर, ये सुबोध कुमार, संतोष कुमार राय नाम है, और इनसे हम 2 बार 3 बार विनती कर चुके हैं, पुलिस स्टेशन डायरी अपने कब्जे में नहीं लिए हैं, मैं बार बार इनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि सर बैक डेट में है, 14 तारीख के दिनांक में स्टेशन डायरी है, 8 बजे प्रातः है, और ये देखिए बढ़ाया जा रहा है पूरा, और सब ये है इनसे, देखिए थाना अध्यक्ष के चैम्बर से आ कर करके ये घूर गए हैं, ये अपने कब्जे में नहीं ले रहे हैं, थाना अध्यक्ष महोदय जो है ये अंदर में, देखिए थाना अध्यक्ष महोदय का चैम्बर है, ये अंदर में दरवाजा बंद कर करके स्टेशन डायरी बैक डेट में लिखवाने का काम कर रहे हैं, ये अनुरोध है, थाना अध्यक्ष का चैम्बर है, मैडम है, मेरा अनुरोध विनती सिर्फ यही है कि अविलंब हमको स्टेशन डायरी का दिखाया जाए कि कितने बजे है और कैसे बिना अनुमति का कैसे ये छोड़ दिया गया, हमको अविलंब दिखा दिया जाए, हम जो मेरे पे जो अनुशासनिक कार्रवाई करनी होगी हम उसको तैयार हैं। भागते भागते हम कोई मौजूद जो है, आप टाउन थाना में है पोस्टेड, उमेश यादव अभी पहले से मौजूद है यहाँ कोर्ट में, हम भागते भागते कोर्ट से आए हैं, उमेश जी हैं वो अपना जान प्राण बचाते हुए आए हैं कोर्ट में, वो हमारे साथ खिलवाड़ किया फंसाने का, हम कोर्ट में अभी हैं, देखिए अभी हम CGM साहब से प्रयास कर रहे हैं मिलने का, उसके बाद हम फिर वीडियो हम जारी करते हैं तुरंत, हम SP साहब से मेरी गुहार है कि आप अविलंब स्टेशन डायरी को अपने कब्जे में लीजिए, क्योंकि स्टेशन डायरी 14 तारीख के डेट में पेंडिंग है, बिना स्टेशन डायरी किए हुए ही
SDPO साहब वहाँ मौजूद हैं, उनको सूचित करिए कि SDPO साहब अपने अंडर में जल्दी से स्टेशन डायरी को कब्जे में ले। थाना अध्यक्ष मुझे डर है कि स्टेशन डायरी हटा कर करके बैक डेट में कर देंगे।